अगर आपको इस वीडियो का स्पीड ज्यादा लगे तो आप यूट्यूब के सेटिंग्स से में जाके इस वीडियो को स्लो कर सकते हैं ये वीडियो का स्पीड थोड़ा ज्यादा रखा गया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो का लेंथ भी थोड़ा कम रहे हेलो गाइस 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 वेलकम बैक टू चैनल क्या हाल है आप लोग अच्छे होंगे आज का कंपैरिजन ये तीनों के पर और ये थोड़ा अलग रहने वाला है कंपैरिजन क्योंकि मैं इसमें आपको डिजाइन इस डिजाइन नहीं दिखाने वाला वाले शॉर्ट में रखूंगा वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए बैटरी बैकअप स्पेसिफिकेशन सब सपोर्ट वो आप पूरा आगे चार्ट रहेगा उसी में देख लीजिएगा हर एक मतलब जो जो डिफ्रेंसेज है वो मैंने पहले से ही माप कर दिया है ओके बैटरी बैकअप भी आप देखिएगा कि एन में कितना चलता है विदाउट ए में कितना चलता है ए सी क्वालिटी में कितना चलता है और विद और एलडेक और एलडेक में कितना चलता है ओके बैटरी बैकअप कितना मिलता है आपको सब कुछ ए टू जेड मार्क तो आगे लेकिन शुरुआत हम वर्डिक से ही करेंगे फिलहाल तो ये तीनों के बेस्ट भाई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में उससे लीजिएगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एफिलिएट लिंक है मैं कोई भी जितनी भी रिव्यू रहते।, रहते हैं सब मेरे पर्सनल रहते हैं खुद बचे करके करता हूँ मेरे को स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये जितने भी है ये मैंने महीनों महीनों सालों सालों, सालों सब कुछ यूज करके ही मैं आपको सब कुछ वीडियो देता हूँ तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उससे लेंगे और अगर वो भी नहीं कर रहे एटलीस्ट चैनल को लाइक तो करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे ओके इस चैनल को क्योंकि वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाली है और मेन क्या पता है ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है लोगों को क्योंकि दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट में आते हैं दोनों में ही एलटैक रहता है तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया क्योंकि अब ये तीनों एकदम वैसे है कि एलटै वाले हैं तीनों ही हाई रेज ऑडियो वाले हैं तो इसलिए मैंने बोला कि एक शॉर्ट वीडियो करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ओके okay, फिलहाल तो वीडियो को पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करेगा लाइक करके लाइक करने में क्या जाते हैं बस आपको लाइक ही दबाना है हैं पच्चीस तीस हजार लोग व्यूज देखते हैं मतलब व्यूज आते हैं पुराना सा वीडियो पे लेकिन कोई लाइक नहीं करता यार ठीक है तो टारगेट लाइक एस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टारगेटेड लाइक्स की फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड लाइक्स का मैं एक्सपेक्ट करता ही हो क्योंकि इतने लोग हैं अभी छह हजार हो जाएंगे सात हजार हो जाएंगे कम से कम एक लाइक तो मांग सकता हूँ तो आप कर सकते हैं फ्री है जम आपके पैसे लगते हैं कुछ नहीं कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है और ये मेरे खुद के है। और किया अच्छे से आपको इतना बता पा रहा हूँ so, yes, बिना देखिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन विजाइन तो आपको पता ही कैसा क्या है ये थोड़ा ये देख हो ये जो चीज है आपको पॉकेट फ्रेंडली से लगना और ये जो देख रहे हैं आप ये काफी हैंडी आता है ये स्मार्ट एलर मतलब पॉकेट में रख रखते ईरब्स नहीं हाथी लगा लो पॉकेट से ही आप दबा लो हो जाता है मतलब इसमें प्ले पॉज नेक्स्ट ट्राइप एक्स्ट्रा सब कुछ मतलब ज्यादा वी एफ एम प्रोडक्ट मेरे को यही लगा है क्योंकि इसके टच कंट्रोल भी ट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड है सब कुछ ए टू जेड मतलब हर एक चीज ओके जितना जितनी चीजें चाहिए वो इसमें हर कुछ है फिलहाल स्टार्ट हम करते हैं ओपो इनको ईयर थ्री प्रो से अब ये जो चीज है इसका जो कनेक्टिविटी है कुछ कुछ चीजें जो डिफ्रेंसे है वो स्टार्टिंग में ही मैं दिखा देता हूँ आप लोग को क्या है कि जो मेन जो सब लोग पागल होते हैं ना वो है यार डॉल्बी एटमोस के पीछे इसके ओके okay, अब डॉलबे एटमोस वाली जो चीज है आप यहाँ पे देख ही सकते हो यहाँ पे देखिएगा ओके okay, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिएगा नीचे में यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस दिख रहा है यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा डॉल्बी एटमॉस इसमें नहीं दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ ओके okay, तो ये एक चीज है अगर आपका रियलमी का नया सीरीज है या तो वन प्लस का नया सीरीज है ट्वेल्व जैसे थर्टीन हो गया तो आपको उसमें डॉल्बी एटमॉस नहीं मिल रहा है पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा है सेम रियलमी बट सर फाइव के साथ भी हो रहा है थर्टीन रियलमी थर्टीन सीरीज में ही डॉलब मॉस नहीं है जबकि डॉलबेट मॉस है और तो डॉलबेट मॉस की जगह क्या आ चुका है पता है यहाँ पे ओर रियालिटी करके आ चुका है अगर मैं दिखाई इसमें तो नहीं दिखाएगा आपको सेटिंग में जाऊंगा ना ओर रियालिटी आ गया ये देखिए ये आ चुका है डॉल बेट मॉस का ही काम करता है लेकिन इसमें देखिए डॉल बेटे मॉस आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिएगा देखिएगाट मॉस में दो दो ऑप्शन है एववायरमेंट प्रोफाइल हटा दिया गया है इसमें से डॉल बेट मॉस के दूसरा रूप है जिसको नाम दे देंगे ओर रियालिटी ओके और यहाँ पे सिनेग स्पेसिफिक प्रोफाइल और इक्वलाइजर ये देखिए दोनों में सेम है ओके okay, दोनों सेम में लेकिन ये प्रोफाइल हटा दिया गया तो ये चीज अगर आपके पास रियलमी का पुराने फोन है नाइन सीरीज टेन सीरीज तो आपको डॉलबेट मॉस उसमें मिल जाएगा लेकिन अभी जो थर्टीन सीरीज है आई होगा अपडेट अपडेट के बाद जो भी आने का होगा तो ये सब प्रॉब्लम हुआ है अभी ऐसा नए वाले फोन में ओके तो अब इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं ओप्पो का साउंड क्वालिटी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या पता बताया इसका मिट्स है स्ट्रॉन्ग पॉइंट एकदम क्लियर लाउड मिट्ट है मतलब एकदम क्लियर जो वोकल्स है ना एकदम क्लियर रहता है जितने भी टेक यूट्यूबर्स है ना शायद उनको यही अच्छा लगता है कि मिट्स एकदम अच्छे से है एकदम

तो ओरिजिनल में आपको पता है कैसा उनका बेस उतना आएगा नहीं क्या सब कुछ पाया तो ओरिजिनल साउंड वैसे करेगा बेस बूस्ट में थोड़ा बेस बूस्ट होता है और इसका बेस जो है ना सबूफो वाला बूस्ट है मतलब जहां जहां बेस एकदम तगड़ा है ना वहीं पे आपको फील आएगा बेस का अननेसेसरी जो बेस एकदम रहता ना जैसा अपन कर लेते हैं वैसा एकदम बेस एट ज्यादा वैसा टाइप का नहीं आएगा जहाँ पे बेस है, आ, उतना ही आएगा आपको ओके okay? और ये जो प्रोडक्ट मैं पहले रिकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि ये साढ़े चार 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 पाँच पाँच, पाँच हजार गया बोलता है, तो मेरे को रिकमेंड बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा था प्राइस में डोल ड्राइवर्स आ जाता है रियलवी बजट फाइव आता है रियलवी बजट सिक्स आता है ओके थोड़ा कुछ पैसे और डाल दो वन प्लस बजट से आ जाएगा डोल ड्राइवर्स जनरली पहले आते थे ये रियलवी बजट फाइव के पहले फाइव थाउजेंड ओपो इनको एक्स जो ऑडियो था उसमें से आना शुरू हुआ था दस हजार तो में आ गया, उसको में गया। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा में लेके अभी रियलमी पट से फाइव मिलने लग गया ऐसी सी बात है है तो ठीक अभी मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्युं? प्राइस कम हो गया है प्राइस कम के हिसाब से अच्छा ही है एकदम बढ़िया है मतलब एक बैलेंस साउंड जिनको चाहिए जिनको बेस ज्यादा नीचे वो वोकल्स मिड एरिया अच्छा चाहिए और शार्पनेस जो ट्रेवल है उतना क्रिस्प नहीं चाहिए तो उसके लिए कर सकते और आप आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हो कस्टमाइज अगर आप साउंड ब्यूटीफाइर से करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है मतलब वो डिस्ट्रॉक्शन होता है जैसे बेस अगर आप बोलोगे मैं साउंड बोलोग से बढ़ा लेता हूं ओके तो वो चीज नहीं हो पाता है जिसमें है ना ये सब प्रॉब्लम है तो एक अगर आपको ये मिल रहा है तो बिल्कुल लीजिए एकदम कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बैटरी बैकअप की जो बात रहती है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बैटरी बैकअप आप एक समझ जाइए ये हाई क्वालिटी ऑडियो में चलेगा तो इसमें आपको बैटरी बैकअप कम ही मिलने वाला है फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ऑडी बी एमडब्ल्यू मसडीज आप लेते हो आप सेकंड हैंड डिलो पांच लाख दस जैगवार दस लाख आठ लाख मिल जा रहा है जो यार मेरे को वो मिल गया लेकिन वहां पे आपको पैसे का खर्च होंगे आपका पैसे खर्च होगा मेंटेनेंस में उसके रख रखाव में जितना आपको उसको मेंटेन करना है तो यहाँ पे आप समझो आपको प्रीमियम तो मिल रही है एक कम प्राइस में लेकिन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको बैटरी बैकअप में सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ओके तो इसका ऐसा साउंड सिग्नेचर है जिसको बैलेंस साउंड चाहिए ना बेस उतना ज्यादा ना मिट्स उतने ज्यादा ना ट्रेबल उतना ज्यादा इनफ बेस इनफ थोड़ा मिट जो अच्छा स्ट्रॉग रहे वैसा टाइप का तो उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा है ओके माइक की बात करें तो माइक भी अच्छा है कॉलिंग कहीं पे भी हो जाता है वाइल्ड राइडिंग विदाउट हेलमेट के भी हो जाता है और तीनों की बात का बात करते हैं माइक का ऐसा है कि तीनों ही ह्यूमन वॉइस को कोई भी फिल्टर आउट नहीं कर सकता चाहे कितना भी महंगे से महंगा टी डब्लू एस ले आप बोलोगे ह्यूमन वॉइस को फिल्टर आउट करना नहीं होगा ट्रेन में रहोगे भीड़ में रहोगे कभी भी वो चीज नहीं होने वाला है ट्रैफिक में अगर हॉर्न बज रहा है लाउड हॉर्न बज जा रहा है उसका वॉइस फिल्टर करना वो भी नहीं हो रहा है जिम में आपका बात हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा वाइल्ड राइडिंग एयर नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी है विंड नॉइस सब कुछ होता है वो भी आउट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा ओके तो ये इसका साउंड आप समझ गए सब कुछ समझ गए कि कैसी चीजें आपको अगर लेना है आप एक बैलेंस्ड साउंड वाले दिमाग में रख के चलिए कि वैसा इसमें रहने वाला है साउंड क्वालिटी ओके आई होप आप मैं तीनों को वर्टिक कर देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड रख दूंगा ओके गे। गाइस गाइस सो अब सेकंड पे चलते हैं ये रियलमी बड्ड से जैसे कि देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे कनेक्टेड है यूजुअल आपको मैं दिखा देता हूँ जो डॉल बेट मॉस के लिए सब लोग पागल होते हैं ओके यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे डॉल बेट मॉस लिखा हुआ है ये पुराना फोन है रियलमी बड्स से रियलमी नाइन प्रो प्लेस और ये नया फोन है रियलमी थर्टीन सीरीज है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए दोनों में क्या लिखा हुआ एक में लिखा है डॉलब मॉस एक में लिखा है वो रियलिटी ऑडियो अंदर घुसोगे तो ये सीनारी स्पेसिफिक प्रोफाइल ही आपको नाइफोन में मिलेगा एनवायरमेंट प्रोफाइल जो दिख रहा है आपको ये ये दिख रहा है ओके okay, फिर से दिखाता हूँ ये ये ऐसे दिखा देता हूँ आप को ये देखिये ये जो है एनवायरमेंट प्रोफाइल ये आपको नहीं मिलने वाला है अभी नए फोन में पुराना फोन, फोन होगा जैसे कि है, ये रियलमी नाइन प्रो प्लस तो मिल जाएगा से एक प्रोफाइल तो आपको मिल ही रहा है साथ में इक्वलाइजर भी आपको मिल रहा है ओके डॉल बेट मॉस का कुछ सीन ऐसा है आई होप समझ गए हो गया तो भाई अब इसके बारे में बात करते हैं कि कैसा है साउंड कैसा करता है क्या है देखिए ये जो है ना डोल ड्राइवर से पहली बात तो ये और हाँ सबसे मेन बात रियलमी बच फाइव प्रो सिक्स प्रो दोनों ही सेम है अगर आपके दिमाग में ये है कि महंगी वाली चीज अच्छी है वो पैसा ज्यादा देने से कुछ मेरे को अच्छा मिल जाएगा आपका मेंटालिटी रहता है बहुत सही है एक ह्यूमन टेंडेंसी यह कहा है कि ज्यादा पैसा दूंगा तो मेरे को अच्छी चीज मिलेगी एकदम वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है रियलम बडजर फाइव प्रो सिक्स प्रो दोनों की क्वालिटी सेम है साउंड सिग्नेचर कोई डिफरेंस नहीं कुछ नहीं है बस एक चीज हुआ है जो ड्राइवर्स के फ्लिकरिंग थे वो आपको थोड़ा रियलमी बजे सिक्स प्रो में कम सुनाई देगा देगा लेकिन कम सुनाई देगा ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो गया वो चीज़ खत्म नहीं हो सकती है रियलमी उसको टैकल नहीं कर पाया रियलमी बज सिक्स प्रो में भी हल्का हल्का आपको आएगा ही आएगा ओके वो वीडियो मैंने समझाया है कुछ नहीं है आपको बस ये जो बेस जो करते ना पन, इसको थोड़ा कंट्रोल करना है आपको लोगे ना थ्री, फोर, इसमें कंट्रोल करिएगा कंट्रोल करके सुनिएगा आ और ये भी एक के लिए ही बना हुआ है, बेस के लिए बिल्कुल नहीं जो बेस ही है ना उसमें चलिए ओप्पो एन को जो थ्री प्रो ओपो एन को एयर थ्री प्रो उसका जो बेस था वो थोड़ा सब वो फर वाला था जहां जहां बेस आता था अच्छा खासा भूमिनेस आता था वो चीज है तो इसमें कैसा? इसका बेस जो है ना वो बेस है। वैसा बेस रहा है, इसका। लो, लो। ये भी जो है बैलेंस साउंड वाले लोग के लिए ही है थम्पी बेस के लिए नहीं है और इसका प्लस पॉइंट क्या पता है इसके जो न, अच्छे शार्प आते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि सिक्स एम एम के इसमें ड्राइवर्स है काफी अच्छे से हाई स्प्लोड करते हैं बहुत ही क्रिस्प क्लियर टाइप के एकदम वोकल्स ने आपको ट्रबल निकाल कर दी जो कि बहुत ही अच्छा लगता है सुनाई में कस्टम इक्वलाइजर मैं अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऐसा रखता हूं जैसा आप देख सकते हैं ये ऐसा मैं रखता हूँ इसमें ऐसे ही रखता हूँ अच्छे खासे सबको मतलब अच्छा ही आता है अब जिनको शार्पनेस नहीं चाहिए और यही लेना है तो यहाँ पे आप ये इसको कम कर लीजिएगा ये जो देख रहे हैं ओके इसको कम कर शार्पनेस आपका कम हो जाए लेकिन मैं ऐसा रखता हूँ और ये जो चीजें हैं मैं हाई वॉल्यूम के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं फिफ्टी सिक्सटी बस उससे ज्यादा मैं नहीं लगा मेरे को मेरे कान को डैमज नहीं करना है मैं उतने वॉल्यूम पे ही सुनता हूँ और उतने वॉल्यूम का ही मैं आपको वो बताता हूँ कि ज्यादा हाई वॉल्यूम पे जाओगे तो फ्लिकर तो आना ही आना है। भी सिचुएशन मैं वैसे भी हाई वॉल्यूम के लिए बोल रहा था क्योंकि बहुत लोग हाई वॉल्यूम में सुनते हैं लेकिन आपको नहीं सुनना दूसरा स्पेशल ऑडियो जो बताना था मैं पिछले अभी थ्री बोल गया था आपको अभी बता देता तो, हूं स्पेशल ऑडियो बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे को स्पेशल ऑडियो चाहिए स्पेशल ऑडियो चाहिए ये होता है लेकिन स्पेशल ऑडियो में आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग चीज नहीं होता है कि एकदम दिमागी उठ जाए हमारा कि बहुत ही हल्का टाइप का साउंड डिफरेंस आ गया नहीं होता है यार मैं आपको बताता हूँ विदाउट स्पेशल ऑडियो जो ऑडियो है आपको यहाँ पे सुनाई देगा मिड में सुनाई देगा ओके okay? जैसे आप स्पेशल ऑडियो चालू करोगे तो ये पूरा ऐसा हेड कवर हो गया बस बस यही लगता है मैक्सिमम फाइव टू टेन परसेंट का ही डिफरेंस आता है बाकी और कोई डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला, ओके okay गाइस तो इसका जो साउंड क्वालिटी ये भी बैलेंस्ड है इसमें भी है, है, बेस है एडिक्वेट बेस है लेकिन बॉक्सी बेस है थम्पी वाला बेस नहीं ये बेस के लिए नहीं बना नहीं हो बना नहीं रियलमी में बच्चे सिक्स प्रो फाइव प्रो दोनों सेम है दोनों नहीं बताए ओके कॉलिंग की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है परेशानी नहीं है मैं टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट रहते उसमें आप बिल्कुल सर्च कर गा। मैंने हर एक लिएडियो को अलग अलग जो, जो जिसमें मैंने टेस्ट किया अलग से मैंने सब कुछ बनाया एक पेज बनाया उसके अंदर आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं तीन सो अराउंड वीडियो है आप सब कुछ उसमें चेकआउट कर सकते हो कोई दिक्कत तो कॉलिंग का कोई दिक्कत नहीं जैसे मैं बोला ह्यूमन वॉइस को कोई फिल्टर आउट नहीं कर सकता वेड़ में रहोगे नहीं बोला नहीं फिल्टर आउट होगा ट्रेन वेड़ में रहोगे बस में रहोगे नहीं होगा आपको फोन यूज करना पड़ेगा चाहे वह कहीं वही जा बैठते जाते हो अगर बैठे हो तब बात हो तब भी आउट नहीं कर सकता आपको फोन ही यूज करना पड़ेगा ओके okay. और ट्रैफिक में रहोगे लाउड नॉइस रहेंगे नहीं होगा

कान के पर्दे पूरी फाड़ सकता है एकदम इतना डैमेज कर सकता है आई रिकमेंड की फिफ्टीन परसेंट तक ही सुनिए काम हो जाता है ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब हाई uh, पे मत सुनिए ओके एनसी के बारे में बात करें एनसी e आपको पता है e सोलो यूज के लिए नहीं होता वो वही सॉन्ग जब सुनते हैं उसमें बाहर से कुछ नॉइस मता करके एन e सी यूज करने के लिए रहता है अभी आगे पार्ट एक डाल दूंगा आप उसमें देख लीजिएगा समझ लीजिएगा ओके okay? तो आपके समझ में आएगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है इसका जो स्ट्रॉग पॉइंट है इसका आईज है भी अच्छा है और बेस भी अच्छा है लेकिन बेस जो है बॉक्सी बेस है वाला बेस नहीं ओके चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं है सो so, जब बात करते हैं सेम बट्स प्रोटो का कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ ये इसका नॉइस नथिंग एक्स ऐप है ये आपको ऐसा इंस्टॉल करना पड़ेगा और सबसे मेन चीज जो इक्वलाइजर मैं यूज करता हूँ मैं सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है क्या आपको दिखा देता हूँ तो अभी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है मैं यही यूज करता हूँ ओके okay, तो इसमें क्या रहता है सिर्फ यही यूज करता हूँ बाकी कस्टमर इक्वलाइजर तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो मैं ऐसा रखता हूँ थोड़ा ट्रेबल पे रहता है ट्रेबल चाहिए रहता है मेरे को और बेस नीचे तो इतना मैं रखता हूँ अल्ट्रा बेस चालू रखना कभी कभार चालू रखता कभी कभार नहीं रखता आपके ऊपर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन जो साउंड क्वालिटी में इसका बता रहा हूँ ये उन लोग के लिए एल डे क्वालिटी में जिनको बेस चाहिए और जबरदस्त बढ़िया बेस एकदम तगड़ा बेस है बढ़िया बेस आता है और एक और चीज इसके जो मिड्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इक्वलाइजर में अच्छा ये जो डायरेक्ट ऑप्टिव है ये एलडेक uh, में काम नहीं करता है ए में काम करता है इलेक्ट्रॉनिक में जो है आपको मिड्स थोड़ा ना आपको हल्का हल्का दबा लगेगा तो आपको क्या करना है ये साउंड ब्यूटीफायर आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और ये जो आपको देख रखे लायरिटी इसको पांच करना है और ये डेफिनेशन को पांच करना है तब आपका काम हो जाता है बस और कुछ सिंपल सी बात है अगर आपको लगेगा मेरे को तो लगता नहीं है लेकिन मैं कर लेता तो काफी अच्छा फीलिंग आती है कि मिट्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं प्लेस भी आपको जबरदस्त तगड़ा और कंपनी आता है ओके और ट्रेबल एकदम क्रिस्प आता है मतलब समझ लीजिए बिकॉज ऑफ दिस क्या बोलते आ, ये जो है ये स्मार्ट डायल के कारण ना थोड़ा ये ऑलराउंड थोड़ा वी एफ प्रोडक्ट हुआ मैं इसको बोलूँगा बाकी आपको इसमें कंट्रोल्स भी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके कंट्रोल्स भी मिल जाता है स्मार्ट डायल के लिए भी आप सिंगल डबल ट्रिपल प्रेस एट डबल सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो ओके तो इसका जो साउंड क्वालिटी जैसे बताया इसका बेस थम्पी है मिट्स अच्छे हैं क्योंकि मैं इसमें यूज करता हूँ मेरे को हल्का रखा मैं पूछा जाता है क्योंकि कान में ही सुनता है ना मेरे को मेरे को कान के बाद नहीं लगा दिया ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉनिक उसमें रखता है ट्रेबल जो है ट्रबल अच्छा क्रिस्प बात है सही तरीके से बात है बाकी इसमें मैं नहीं रखता हूँ जिनको वोकल, सी, वोकल रख सकता मैं जो यूज करता हूँ मैं इसी में यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को बेस भी चाहिए रहता है मेट्स भी चाहिए रहता है ट्रबल भी चाहिए रहता है तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक अच्छा रहता है एकदम सही तरीके से और एक और चीज की मैं हर समय जो है फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम पे ही सुनता हूँ और ये जो मेरे सेटिंग से जो भी चीजें मैंने आपको बताया ये मैं फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम पे ही सुन के बाद मैं कोई लाउड नहीं सुनता हूँ और एक और बात इसके जो ड्राइवर्स है हल्का सा आपको डिस्ट्रॉक्शन लग सकता है अगर आप अल्ट्रा बेस चालू करें हैं कुछ कुछ चीजें करें तो क्योंकि मैं एक दो पॉइंट कम करता हूँ और सबसे ज्यादा लाउडेस्ट बोलोगे देखो इन द लाउडेस्ट यार अगर आपको कान हिला देना है पड़ते दे, ईयर पेन तक चुभने तक सुनना है तो उस टाइप का नहीं है ये ये बस यह बर्फ फोटो आप ओप्पो से कर सकते हैं रियलमी से कर सकते हैं लेकिन उतना तक नहीं जाता है रियलमी और ओप्पो जितना लाउड नहीं रहता है क्योंकि तो आपको अगर कान चुभाने तक करना है तो वैसा नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है वो जितना भी है काफी है यार काफी हिला देता है आप देर तक सुनोगे तो आपके सर दर्द ले देंगे ओके तो ये साउंड क्वालिटी बता दिया कि एक जिसको थम्पी बेस चाहिए जिसमें थम्प बेस रहे मिट्स भी रहे और ट्रेबल भी क्रिस्प है ये उन लोगों के लिए बढ़िया था टाइप का काम करता है ओके एनसी का पार्ट आपको पता है कि क्या समझते हैं आगे समझा दूंगा देख लीजिएगा समझ जाएंगे आपकी कि वो किसके लिए यूज होता है ए आप एन सी को अगर ये सोचोगे कि, कि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो वो चीज नहीं होता और माइक की बात करें तो माइक तीनों का ही अच्छा है इसका भी अच्छा है मैंने सोचा था इसका माइक अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक ऊपर है वाइट राइडिंग यार बात हो जाता है जिनसे बात कर रहा था बोलते कि वो तो लग ही नहीं रहा है कि तुम बाहर में कहीं पे हो वाइन राइडिंग में बात कर रही इतना अच्छा इसका माइक है अनएक्सपेक्टेड था मैं सोचा था कि नहीं होगा करके लेकिन इसका भी माइक अच्छा है ओके okay, गाइस तो ये दिखा दिया आप लोग को तीनों का तीनों की साउंड क्वालिटी बता दिया समअप करते हैं आप तीनों को सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि किसको रखोगे मतलब नंबर वन पे किसको रखोगे मैं रखूंगा यार्स प्रोटोक ऑफ द स्मार्ट टाइम चीजें टच कंट्रोल एन सी है और जैसा साउंड क्वालिटी जिनको थोड़ा सा मेरे को बेस चाहिए रहता है ना थोड़ा बेस्ट चाहिए रहता है तो मैं इसको रखूंगा ओके ये मेरी प्रायरिटी है टाइम मैं इसको क्योंकि फंक्शनलिटी इसमें ज्यादा मिल रहा है मेरे को तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट पे रखा सेकंड पे मैं रखा हूँ ओपो इन को एय थ्री प्रो को क्यों क्योंकि मेन उसका प्राइस कम हुआ है और मेनली जो ये वीडियो जो बनाने का मकसद था ये दोनों के ऊपर कंपैरिजन करने का था क्योंकि ये दोनों का प्राइस एकदम आजू बाजू जबकि ये साढ़े चार हजार का करीब कुछ है ओके लेकिन प्राइस कम हुआ है दोनों का भी आ गया है तीन हजार तीन तीन सौ तीन सौ में ऐसी तो ये दोनों में मैं फर्स्ट इसको चूज करूंगा सेकंड ये उसके लिए रखूंगा जिनको बैलेंस्ड साउंड चाहिए अगर आपको बेस थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा extra अच्छा लगता लगता है है थोड़ा एक्स्ट्रा बेस तो ये आपके लिए नहीं है अगर आपको ट्रेबल अच्छा लगता है तो ये आपके लिए नहीं है ओके अगर आप मिड्स वाले हो मिड सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तब आपके लिए ये है ओके थर्ड में रखते हैं हम इसको आँ चलो एक ऊपर एक ऐसे करके रखते हैं थर्ड में मैं इसको रखता हूँ क्योंकि ये अभी महंगा है चार पाँच साढ़े चार हजार का है और सेम प्राइस पॉइंट मतलब सेम स्पेसिफिकेशन सेम सब कुछ आपको रियल बट फाइव प्रो मिल जाएगा ये किसको लेना चाहिए ये उनको लेना चाहिए जिनको एक छोड़ा सा क्रिस्प टाइप का साउंड चाहिए मिड्स भी अच्छा चाहिए लेकिन बेस इस टाइप का नहीं चाहिए ये बताया बेस जो है बूमी बेस टाइप है, है। जबकि ये उतना बूमी बेस नहीं है प्रो बेस है है एडिक्वेट लेकिन पॉक्सी बेस है सब बेसर वाला बेस चाहिए तो आपको ये है अगर आपको पॉक्सी बेस बेस उतना नहीं चाहिए तो आपको ये अगर आपका मिड पीच वाले वोकल्स अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आपको इनको एयर थ्री प्रो लेना पड़ेगा ओके गाइस तीनों के माइक अच्छे हैं तीनों में ही डोल पेयरिंग मिल जाता है तीनों में ही आपको स्पेशल ऑडियो मिल जाता है तीनों में ही आपको फिफ्टी डीबी के अराउंड तक मिल जाता है ओके तो तीनों ही अपने प्राइस पॉइंट पे एकदम सही है लेकिन अगर प्राइस टू तो पॉइंट देखोगे एक प्रोडक्ट देखो साढ़े चार हजार की चीज अगर आपको तीन हजार में दे रहा है अट्ठाईसो में भी ये मिला है तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखूंगा ओके अगर ये भी आपको मिल रहा है डोल ड्राइवर से इसमें अगर ये डोल ड्राइवर का वो तीन हजार मिल रहा है तो यही रखूंगा ये ये तब ये अभी इसलिए रखो क्योंकि जैसे बोला ये एक बैलेंस साउंड वाले लोग खिले मिट्ट जिसका स्ट्रॉन्ग uh, चाहिए इसको ओके बाकी आगे अभी आप स्पेफिकेशन देख लीजिएगा बैटरी भी देख लीजिएगाफ सपोर्ट भी देख लीजिएगा एक चार्ट रहेगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जितनी भी चीजें मैंने रेड एरो से मार्क कर दिया गाइस ओके आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसकी चीजें किसका साउंड कैसा है क्योंकि लोग बोलते की हम दोनों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है ये दोनों में इसको दोनों में बहुत कंफ्यूजन है क्या लेना चाहिए है बिल्कुल आप समझ गए होगी ओके गाइस गाइस so अब इसका एनसी के बारे में बात करते हैं फोर्टी नाइन डीबी का एनसी डी सेम एज आपको ओप्पो इनको एयर थ्री प्रो में मिलता है दोनों तो का एनसी ठीक है सही है अच्छा ही है, काम करने वाला बैंड भी होगा इसमें लेकिन वो कंपनी वाले मेंशन नहीं है जनरली इतने महंगे वाले में रहता है किसी कोई कोई मेंशन करता है कोई, कोई मेंशन नहीं करता है तो गाइस आपको सबसे पहले बता दूं कि सी सोलो यूज के लिए नहीं है ये आपका सॉन्ग्स मूवीज पॉडकास्ट आप जब देख रहे हैं उसमें अगर बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए रहता है ना कि सिर्फ आप ये लगा लिए हैं और बोलोगे की आपके बाजू में कोई बैठा है आपके यहाँ कोई गेस्ट है वो लोग बात कर रहे हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाए वो चीज नहीं हो पाएगा आपको छोटा सा ही एक्जाम्पल मैं दे देते

सो so में e आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है यहाँ पे लेकिन वही एक प्रॉब्लम है जो रियलमी बट जेरो में है और जो रियमी बर्ड्स वायरलेस थ्री में है और जेबीएल के ट्यून बड्स में है जो मैं दिखा रहा हूँ ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होता है मतलब जो रियलमी बर्ट जेरो में अगर इसको चालू किए तो इस अगर ये दोनों एक साथ चल रहा है अभी देखिए ये चल रहा है मैं इसको चालू करूंगा तो अभी ये बंद नहीं हुआ मेरे को मैनुअली बंद करना पड़ेगा देखिए वन टू थ्री सेकंड लगता है एक फोन से छोड़ के दूसरे फोन में चालू होने के लिए ओके अब देखिए मैं इसको चालू करूंगा तो ये अभी यही प्ले हो रहा है ओके अभी मैं इसको चालू करना है तो मेरे को सेकंड लगता ही है गाइस मिनिमम तीन सेकंड लगेगा दूसरे में शिफ्ट होने तो एक इशू है एज यूजल क्या कॉमन सा इशू अब हो गया है मतलब रियलमी बट थ्री जैसा मेरे को मिला ही नहीं है अभी तक ये इशू लगा मुझे डोल डिवाइस पेरिंग में सो अभी सोल डिवाइस कनेक्टिविटी आपको दिखा देता देखिए दोनों में कनेक्टेड है इसको आप चालू करोगे अभी इसका आवाज आ रहा है कोई पहले जैसे ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होता अभी देखिए इसको चालू कर दूंगा इसका आवाज नहीं आएगा बंद कर रहा हूँ दो तीन सेकंड लगता है ये वापस इसको चालू करूंगा इसका आवाज नहीं आएगा जब तक इसको मैं पॉज नहीं करूंगा वन टू जी कल तीन से चार सेकंड लगता है शिफ्ट होने और बार लास्ट बार ट्राई करते हैं इसको हम चालू करते हैं इसको भी चालू करते हैं इसको one, यहाँ सेकंड डिवाइस में जल्दी चालू हो जा रहा है जबकि फर्स्ट डिवाइस में वापस करने के लिए चार सेकंड लग रहा है ओके okay, तो ये चीज है इसमें और ये ऑटोमेटिकली प्ले पॉज नहीं होता जैसे रियलमी बड थ्री होता था ऑटोमेटिकली प्ले पॉज नहीं हो रहा है ओके रोल डिवाइस आपको मेनुअली करना पड़ेगा प्ले पॉज तभी काम करेगा ओके गाइस बेस जैसे कि देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे कनेक्टेड है एज यूजल आपका रियलमी बड्स एयर थ्री प्रो जैसा आपको नहीं मिलने वाला है जैसे कि मैंने अभी इसका आवाज आ रहा है इसको चालू करोगे तो ये भी चलता रहेगा जबकि जबकिंग ऐसे ही काम करता है मतलब आपको मैनुअली पॉज करोगे वन टू तो, थ्री तीन सेकंड बाद तीन से चार सेकंड लगता है दूसरे डिवाइस का वॉइस आने के लिए ओके मैनुअली करना पड़ता है जैसे मैं अभी मैं इसको चालू करूंगा तो ये पॉज होना चाहिए आपको मैनुअली पॉज करना पड़ेगा और ये जो है वन टू ओके okay, अभी तीन सेकंड में चालू हो गया है नाइस तो वैसे ही है सब में जैसे आजकल डोल डिवाइसिंग मिल रहा है आपको मेनुअली प्ले पोस्ट करना पड़ता है अगर दूसरे वॉइस और दूसरे वीडियो का अगर वॉइस चाहिए तो तो यही चीज है सब में आजकल ऐसे ही चल रहा है ओके okay, डोल डिवाइस स्पिरंग सेम ही है सब में सो so गेस इसमें ऐसा है कि आप डोल डिवाइस जंपिंग कर सकते जैसे अभी इसमें कनेक्टेड है ये यह यहाँ पे तो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा अगर मैं इसको यहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ ये देखिए डिवाइस में जंप होगा यहाँ पे कनेक्ट हो गया जैसे कि देख रहा है वापस से डिवाइस जम्पे मतलब एक विदाउट क्योंकि इसमें ना डोल पेरिंग है लेकिन वो डोल पेरिंग ऑफ है तो एक डिवाइस से दूसरी स्विच कर रहा है अदरवाइज वो एक दोनों डिवाइस एक साथ कनेक्टेड रहते हैं ना और ये मोस्ट में मिलेगा आपको ऐसे रिप्यूटेड ब्रांड है जो ओपो रियलमीज इसमें तो मिलने वाला है ओपो में भी आपको दिखा देता है तो ओप्पो मिलेगा तो सब में ही मिलने वाला है यहाँ पे कनेक्टेड है ओपो एन एयर थ्री प्रो यहाँ कनेक्टेड हो गया यहाँ पे ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ओपो एन एयर थ्री प्रो को टच कर देखते हैं होता है क्या वो नहीं है

उ ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि इसमें ईयर टिप्स छोटे हैं मैंने बड़े साइज के ईयर टिप्स नहीं लगाए हैं तो बड़े साइज के ईयर टिप्स में एक बार चेंज करके देखता हूँ क्योंकि मेरे ईयर में बड़े ईयर टिप्स यूज होते हैं सो so, okay, मेरे से पहली बार हुआ है कि ऐसा गिर रहा है जिम में तो ऐसा गिरता नहीं है रनिंग वनिंग करते समय ऐसा तो होता नहीं है लेकिन अभी गिर रहा है तो देखते हैं दूसरा मैं लार्ज ईयर टिप्स लगाया देखते हैं स्लिपरी है क्या हाँ नहीं गिरा लेकिन ये हल्का सा ढीला हो गया था अब इतना मेरे जितना अगर आप हिलाओगे और एकदम पुश करोगे कि गिरे ही गिरे 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 गिरा ऐसे करके तो ऑब्वियस ही बात है कि वो गिरेगा ही गिरेगा ऐसे नॉर्मल आपकी रनिंग और इसमें तो नहीं गिरने वाला है इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है नहीं गिरने वाला है। ठीक है इस ईयर फिटिंग टेस्ट और मतलब ईयर की फिट टेस्ट तो अच्छा ये एकदम सील है और हाँ बोल दे रहा हूं अगर आप ये परचेस करेंगे तो आप लार्ज वाले ईयर टिप्स ही यूज करिएगा ओके गाइस तो भी भी इसका ये बट टेस्ट करते हैं यहां पे हमने मेरा थम कट गया है तो दबक रहा है और यहाँ पे हमने अभी लगा लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये भी लग गया, गया। देखते हैं और इसमें मैंने बट्स ना नॉर्मल वाली है जो आ, मीडियम वाले वही लार्ज वाली नहीं है आपको रिकमेंड मैं लार्ज वाले ही करूंगा आप लोग लार्ज से यूज करिए नहीं गई नहीं गिरेगा इतना इतना तो नहीं गिरने वाला ये ईयरबर्ड्स ओके okay, कितना भी आप हेड शेक कर लीजिए इयर तो नहीं गिरने वाले लार्ज टिप्स यूज करिए और रनिंग वनिंग करते कुछ भी करते कैसे भी रहेगा जिम वि में रहोगे तो चाहे आपका हेड हिले कैसा भी रहे नहीं गिरने वाला है ओके कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है तो कैसे दोनों का तो मैं टेस्ट करते रहता आपको ईयरबर्ड्स दिखा देता हूँ की इसका ये फिट टेस्ट कैसा ही है दोनों में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आने वाला है ये थोड़ा निकल रहा है क्या ये थोड़ा निकल रहा है मेरे ईयर से ज्यादा हेड शेक करने पे बहुत ज्यादा ही हेड शेक करने पे निकल रहा है देखिए जबरदस्ती अगर आप इयरबर्ड्स को गिराना चाहोगे तो बिल्कुल गिरेगा नॉर्मल यूसेज में रनिंग वनिंग में ऐसा नहीं गिरने वाला मेरे जैसा अगर आप हेड शेक इतना करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो गिरने वाला ही है ओके गाइस गेसम बड्स प्रो का भी फिटिंग अच्छा ही है वो मैंने ज्यादा ही एकदम आप एक्सट्रीम लेवल पे शेक करोगे तभी गिरने वाला ओके तो बता आप लोगों को कैसा लगा वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक करेगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर करेगा बहुत से लोग वीडियोस देख के जाते हैं मतलब वीडियोज़ पे आठ दस दस हजार व्यूज मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मेरा तो सब्सक्राइबर बेस हजारी है तो मेरे लिए बड़ी बात है कि दस दस हज़ार लोग वीडियो देखे जा रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करता है थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हेल्प कर दि इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप जो भी नए सब्सक्राइब कर रहे हैं सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है आपके कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चैनल थोड़ा भी जॉगिंग पे आया है पहले रिंग रहा था चलने शुरू हुआ अभी थोड़ा दो दौड़ जॉगिंग आया तो इसको भी दौड़ाना है ठीक है तो आप लोग के हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सो गाइस आई होप कि मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया होगा एंड एज पसंद आए तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करेगा सो गाइस मिलते हैं फिर और हाँ कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा सो गाइस मिलते हैं फिर में गाइस एंड ऑलवेज बी We're <laughs> so